C is sitting second to the right of B and both are facing opposite direction. F is sitting fifth to the right of A and facing north. G is sitting at ninth position from the left hand and facing north. D is sitting third to the left of H and both are facing opposite direction. E is sitting immediate right of F and both are facing opposite direction. B is sitting 10 to the right of D and both are facing opposite direction A is at the extreme left and H is at right extreme and both are facing north no seats are available between A and B ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है अरेंजमेंट को ड्रॉ करते हैं में यहाँ पर बताया हुआ है ए इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एच इज एट राइट एक्सट्रीम लाइन है तो उसका ए right की पोजीशन और राइट एक्सट्रीम एंड पे बताया हुआ है एच की पोजीशन और दोनों ही नॉर्थ फेसिंग है एच से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देखते हैं यहाँ पर बताया हुआ है डी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच लेफ्ट एच का इधर होगा थर्ड में डी है वन टू यहाँ पर डी की पोजीशन है एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ये नॉर्थ फेस किया हुआ है तो ये साउथ फेसिंग होगा डी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देखते हैं बी सिटिंग टेंथ टू द राइट ऑफ डी डी का राइट right इधर होगा टेंथ में बी दिया हुआ है तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पोजीशन है और ये बताया हुआ है नो सीट्स अवेलेबल बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी नेबर हैं बी का डायरेक्शन यहाँ पर बोला हुआ है बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन मतलब डी अगर साउथ फेसिंग है तो बी नॉर्थ फेसिंग होगा बी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देखते हैं सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी बी नॉर्थ फेसिंग है इसका राइट right इधर होगा वन टू यहाँ पर सी की पोजीशन बताया हुआ है अपोजिट फेस किए हुए मतलब ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये साउथ फेसिंग होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं एफ इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए ए का राइट right इधर होगा वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ पोजिशन पे एफ की पोजीशन बताया हुआ है नॉर्थ फेसिंग है यहाँ पर ये इस तरीके से एफ की पोजीशन हो जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जी इज सिटिंग नाइन्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट ये लेफ्ट हैंड है नाइन्थ पोजीशन पे देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पर जी की पोजीशन हो गई नॉर्थ फेसिंग है ये भी ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ F नॉर्थ फेसिंग है इधर राइट right उसका होगा यहाँ पर ई e की पोजीशन है बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन अगर F नॉर्थ फेसिंग है तो ई साउथ फेसिंग होगा इस तरीके से यहाँ पर हमें अरेंजमेंट ऑप्टेन होगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हुआ है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी अरेंजमेंट में देखते हैं यहाँ पर सी की पोजिशन है और ये साउथ फेसिंग है साउथ फेसिंग है तो यहाँ पर इधर राइट right होगा उसका और इधर लेफ्ट होगा लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पूछ रहा है वन टू थ्री यहाँ पर सी के थर्ड राइट right में ई e ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर